बदायूं शहर की बाबा कॉलोनी में हुए दोहरे हत्याकांड की वारदात में एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने पत्रकार वार्ता के दौरान खुलासा किया। गौतम संदेश ने पहले ही खुलासा किया था कि मुख्य आरोपी साजिद कई वर्ष पहले आत्महत्या करने का प्रयास कर चुका था, जिसकी पुष्टि एसएसपी ने भी की। जिस दोहरे हत्याकांड की तफ्तीश पुलिस कर रही थी, उस तफ्तीश के दूसरे आरोपी जाबिद को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो कुछ भी उसने बताया है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में अवगत कराना चाहता हूँ। उसका ये कहना है कि दोनों भाई एक बार्बर शॉप पे वहीं काम करते थे जो पीड़ित परिवार के घर के बिल्कुल सामने है। वहाँ करीब 4-5 सालों से काम करते थे और जो भाई था उसका साजिद, उसका पीड़ित परिवार से वाकिफ भी थी, उसके यहाँ उनका आना जाना भी था। घटना के दिन की बात उसने बताई है कि वो लोग जैसे रूटीन में हर दिन वो 8-8:30 के आसपास अपने गांव से चल करके मोटरसाइकिल से आते थे। वो दोनों आए और उस दिन उनका भाई थोड़ा गुमसुम भी था, साजिद की बात कह रहा हूँ। जावेद ने अपना काम नॉर्मल तरीके से शुरू किया, उसने कई लोगों की शेविंग भी की, बाल भी काटे। 10:30 के आसपास जो साजिद था उसने कहा कि उसे कुछ दिक्कत आ रही है, वो किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की बात कर दिया और करीब 1:30 के आसपास वापस आया। वापस आने के बाद उसने कहा कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूँगा कि पूछताछ में ये भी तथ्य निकल के आए हैं कि साजिद बचपन से बहुत बीमार रहता था और उसके पिताजी ने उसको पीर और यहाँ जो छोटे सरकार और बड़े सरकार हैं वहाँ भी उसको काफ़ी ले जा करके उसको दिखाया। इनफैक्ट 10 साल की उम्र में जब वो काफ़ी बीमार पड़ गया था और उसको वो ठीक नहीं हो रहा था तो उसके पिताजी ने वहाँ एक झोपड़ी डाल ली थी बड़े सरकार में और बच्चे को लेकर के वहाँ काफ़ी समय तक रहे थे उसको ठीक करने के लिए। किस तरह की बीमारी थी इसके बारे में अभी हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये अवश्य बताया गया है कि वो जब उसको इस तरह की दिक्कत आती थी तो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता था और उस समय वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो और इस इमोशनल अपहीवल के टाइम पे उसने ये भी बताया है कि उसके भाई ने कि 1-2 बार उसने अपने आप को डैमेज करने की भी कोशिश की। एक बार उसने चूहे मारने की दवा भी खा ली थी जिसका आलापुर में एक डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज भी हुआ था और अक्सर वो इस तरीके से थोड़ा वायलेंट हो जाता था और घर वालों के नियंत्रण में नहीं आता था। उस दिन जो घटनाक्रम था उसके हिसाब से 1:30 बजे के आसपास उसने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है, तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए और थोड़ी देर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं लग रही तो आज हम लोग कुछ चिकन वगैरह बना के खाते हैं। लेकिन भाई के इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शहर की तरफ। आने के बाद शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत ख़राब थी और इसने ये कहा कि मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूँ। इस बात की पुष्टि भी हुई है गवाह के बयान से। शाम को करीब 5:30-5 के आसपास ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके हाथ से वो चाकू खरीदा गया था, उससे भी पूछताछ हो रही है। आने के बाद फिर घटना के समय दोनों ये इसने जब पूछा कि भाई तुमने ये चाकू क्यों खरीदा है तो उसने कहा कि मैं रमज़ान के समय गोश्त वगैरह काटने का काम करूँगा, इसलिए चाकू मैं खरीद के लाया हूँ। उसके बाद दोनों इसने बताया कि मुझे किसी काम से पीड़ित विनोद के यहाँ जाना है, विनोद के घर पर जाने के लिए। जब ये दोनों बाहर निकले तो विनोद के घर के अंदर चला गया और जा कर के उसने वहाँ घटनाक्रम को अंजाम दिया। जब इसने देखा कि वो नीचे से ही देखा कि वो खून से सने कपड़ों में वहाँ छत पर दिखाई पड़ा तो ये घबरा गया। वो नीचे आए और दोनों भाई वहाँ से जब भागने का प्रयास कर रहे थे तो पब्लिक के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों वहाँ से मौका देख करके छूट के निकल गए। उसके आगे का घटनाक्रम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जावेद तो भाग ही गया था, साजिद भी भाग गया था। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस को जब सूचना मिली कि ब्लड स्टेन कपड़ों में एक व्यक्ति शेखुपुर के जंगलों के आसपास दिखाई पड़ा है तो पुलिस ने वहाँ घेराबंदी की और घेराबंदी में जब वो अपराधी ने भागने का प्रयास किया, पुलिस पार्टी पर फायर किया जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए।
तो जवाबी फायर में उसे गोली लगी, जिसको अस्पताल ले जाके उसका इलाज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाह रहा था। जो अभी पकड़ा गया है उसके से भी और पूछताछ की जा रही है गहराई से, और उसके बाद जो भी अन्य फैक्ट्स बताए गए हैं वो विवेचना का पार्ट है, जिनके बारे में हम अलग से तफ्तीश कर रहे हैं।